राम 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 राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम राम। अरे मम्मी, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। अरे मम्मी जी, मौदोई जना के ब्याह में जा रहे हैं। इना दोस्त बटे ब्याह है जो को मन बुलाए, जो को मौदोई जना जा रहे हैं। और हाँ, मैं गर्रा पूरा कमरा रे ताला दे दिया हूँ। और मैं के बारे मेन गेट रो भी ताड़ो लगान जा रहा हूँ, क्योंकि थाने आदत मन ठा है कि फालतू अड़ोस पड़ोस कने थारी मारी कर ओला। इन वास्ते मैं बारू भी ताड़ो लगान जा रही हाँ। और हाँ, मैं थानो सुबह लेन शाम तक रो जो को खानो है नी वो बना टेबल माते रख दियो, भूख लागे जन खाए लीजो, क्योंकि मैं रसोई रही ताड़ो दे रही हूँ, ठीक है नी। और हाँ, मैं लेट अरे सेट जावा तो जो को भी बनेड़ो है विनु पेट भर दीजो। हाँ कोई बात नहीं बिंदनी सा, आप लोग जाओ। हे भगवान, आज भरे ये लोग मने घर अंदर बंद करन गया परा। हर बार ये लोग मने घर अंदर बंद करन जावे। एक बार भी यू नहीं कहवे कि मम्मी थानी भी इच्छा रेवेला थई कदी कदी माना हाथ आलो घूमने है। हर बार मने घर में अकेली छोड़न जावे, कदी इन्हा ने दया तक नहीं आवे कि मम्मी थे घर में अकेला कई करोला है। मने क्यों पतो नहीं यू लागे कि ये लोग मने पागल समझे हैं। और हाँ, ये लोग मने घरी चौकीदार समझ रखी है, जने खुद तो आराम हुका हुका फिरे और मने इन घर में बंद करन जावे हैं। अरे बंद करन जावे जो को तो कोई नहीं, घर रो मेन गेट रो भी लॉक लगान जावे और अटे तक की रसोई रो भी लॉक लगान जावे हैं। अब मने तो कोई समझ में ही नहीं आवे मैं कई करूं। चलो खैर कोई बात नहीं, आज सुबह हूँ एक कप चाय भी देने नहीं गई है मां रानी सा। सुबह हूँ चाय भी नहीं पीती हूँ, मां तो भी घना दुख रही है। पहली जान रोटी दिए के ना हूँ, रोटी बीजी रखन गी कि नहीं गी, दिन भर मैंने भूख मरनो पड़ी। लो मां रानी सा, अटे खानो ढकन रखन गी है। अरे मैं कई सुबह री चाय पी दी थी है, यू नी के मम्मी जी सुबह हूँ चाय नहीं पी दी है तो एक कप चाय बना रखन जाऊ है। हे भगवान, केड़ा दिन देखना पड़ रिया है। हाँ वैसे देखू तो सरी खाना में कई बनायो, कई दाल। हे भगवान, आ तो दाल काले रात्रि है, अने इतनी जाड़ी पड़ गई है तो ठंडी दाल है, हैं? और रोटी। हे भगवान, ये दो फलका बनान गई है। हाँ और कहने गई है कि मम्मी जी मैं रात रावला लेट तो पूरी रात तक आप लोग खानो बनान जाऊ है। हे भगवान, मने केड़ी बींदनी मिली है और केड़ो अत्याचार करे है मार माते हैं। कोई बात नहीं, अगर मैं अबे आ रोटी खा ली तो मैं दिन भर कई खाऊंगा। आ रोटी में ढक्कन रख दू, शाम रखाऊं या दिन में जब हाची तेज भूख लागी जड़ खाऊंगा। पिछली बार भी जद ए लोग मने ताड़ा में बंद करन गया था नी, बिन टाइम पाच आया जन मन इतनी तेज भूख लगी थी, जन में बिंदनी सा निकी तो बिंदनी सा रात गणी रेगी है, मारे दो रोटी बना लो है तो ध्यान है। बिंदनी सा कितो ज्यादा माँ युद्ध करियो तो घर में माँ तो फूटे जितना विघन करिया था है, तो मैं बिना रखनो तो कुछ मांग भी नहीं सकू है। अरे मैं कई करूँ, जद मारो खुदरो सिक्को है वो इच खोटो है। अरे वो बेटो है वो इन्हें बुरे सपोर्ट में है, जन अबू है जो को मारे माते इतो अत्याचार करे। आज अगर बेटो इन सपोर्ट में नहीं रहे नहीं तो इन्हें भू ने मैं सीधी कर दू, पर कई करूँ हमारी जिंदगी में इस सब लिखियोड़ा है। पर यूं नहीं है कि मैं रसोई रो तो तालो कहने वास्ते दू है। अरे रसोई रो तो लॉक खुल्लो राख जावती ताकि मने भी भूख लगे तो मैं हाल तो हाथ पग हल है, जान की इनकी बनान मैं खाए लेती हूँ ठंडो है। पर आज तो टेबासी दाल रखन गई है कि छो मरता मम्मी जी छो बीमार पड़ता है। हे भगवान, केड़ी जिंदगी हूं है। अबे तो पतो नहीं खटक कही देखो, हमारी तो हैंग से ले रही, फोन नहीं आवे मारे फोन मत है। पहले तो हैंग मन फोन करती, अबे तो कि नहीं फोन आवे ने नहीं जावे, फिर टक कही रियो है। पर एक बात तो है, अबे जिंदगी में अगर इंसान के तने फोन नहीं रेवे नहीं तो एड़ा लोग जो को ताला में देन जावे बिना टाइम पास की कर रेवे है। वो तो शुक्र है भगवान रो को फोन ही बनायो ताकि मारो थोड़ो टाइम पास तो रेवे, मैं थोड़ा भजन होनो थोड़ा भागवत गीता देखू तो मार थोड़ो मन हल्को रह जावे, नहीं तो इन्हें घर में घुट घुटने में तो मर जाऊं। हे भगवान, कहीं नहीं मैं थोड़ी देर कमरा में जाऊं फोन देख लूं मैं। आजा पूजा यार, बहुत ज्यादा थक गया यार, मन तो बहुत ज्यादा थकान हो रही है बे। हाँ यार बहुत ज्यादा थक गया। हाँ और नहीं, मारा तो हाथ पग ही दुख रहा है बहुत तेज।
चल पूजा यार एक काम कर कि एक बढ़िया मस्त कड़ा के दाल मस्त चाय बना लेना जा। और हाँ तू जान थोड़ी मम्मी ने भी देख ना जाने कही कर रही है मम्मी। अरे यार अबे मम्मी ने कही देखू मम्मी तो हो गया रही हमें कही मम्मी इतनी जल्दी सोई गई रही। अरे यार मम्मी खानो खायो कि नहीं खायो वो तो जान देख ले तू। हाँ ठीक है देख लू जान में और चाय बनान जल्दी लेना जीजे कमरा में ठीक है मैं कमरा में जा रही हूँ। आ लो थानी चाय। अरे बन गई चाय। हाँ बन गई चाय। अरे पूजा तू चाय नहीं पी रही है कही। अरे नहीं नहीं जी मैंने तो नींद आ रही है बहुत ज्यादा थकान हो रही है माथो ही दुखे हाथ पग ही दुखे रही है क्वाइट नजर लगी तो ठा को नहीं है मैं तबे सोने जा रही हूँ। अरे यार पूजा तू भी कमाल है यार थोड़ी सी चाय पी ले ताकि थारी भी थकावट उतर जावे क्योंकि दिन भर अपा तो परेशान हो गया यार सुबह रह गया रात रहा है थोड़ी चाय तू ही पी ले। अरे नहीं नहीं मारे तो नहीं पीवनी है चाय थे थाने पी लो पच में रात रह चाय पीऊं के जन पची पूरी रात विनी स्विनी डकर आवे इन वास्ते। और पूजा मम्मी ने देख लेगी खानो पीनो खा लियो मम्मी। अरे मैं तो खुद इतनी ज्यादा थाकी उड़ी आई हूँ हैंग दिन मारो मत मत खाओ हैंग दिन मारो नहीं पूछी जे कौन खानो खा दो कौन खानो नहीं खा दो ठीक है नी। चल ठीक है भाई खा लियो रही तुम्हारे कही है हा? चल ठीक है तू जा आराम कर ले। अरे पूजा देख तो 12 घंटी बाज रही है कौन आया है जा देख ना तो। हाँ जी मैं देख ना हूँ कौन है। अरे ममता थे आज अटे कीकर। अरे नमस्ते भाभी साहब कीकर हो आप। अरे ममता मैं ठीक हूँ आप सुनाओ आप कीकर हो। जी भाभी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और भाभी जी कितना दिन हो गया मामी जी है वे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है और मम्मी जी दिन में कितनी बार कह देवे कि जा मामी जी देखना आ, आ और मैं अटे दिन में कम से कम 3-4 बार आन गई थी लेकिन आपरे घर अटे लॉक लागोड़ थो और अबे है नी आपरे अटे घर लाइट लाग रही थी और मम्मी ने यू लागो कि आप लोग आई गया रे बोला तो तुरंत मैंने भेजो जा पूछ ना मामी जी कटे है किकर है ठीक है कि नहीं है क्योंकि आज नी मामी जी ने कितनी बार दिन में मैं खुद 4-5 बार फोन लगा दिया लेकिन मामी जी रो फोन एक रिंग जान कट जावे और कदी स्विच ऑफ बतावे पता नहीं क्यों यू लागे रियो है। और मामी जी भाभी जी एक बात बताओ कि आप और भैया कटे घूमने गया था कई। अरे हाँ हाँ ममता माँ बारे गया था थान भैरे दोस्त कह बटे ब्याह हुए तो जो ब्याह में जान आई जो देखो निहाल तो कपड़े ही नहीं खोलिया मैं। अच्छा और मामी जी कटे है भैया कटे है। अरे थाना भैया वे बैठा देखो मैं सोफा रे माथे। अरे भैया आप कटे घूमने गया था कई। अरे ममता यार घूमने कटे गया था यार आज मार दोस्त री शादी थी जो को वटे गया अने वो भी है जो को शादी आज रे इस दिन रात ली है पूरो दिन खराब रह गो यार मारो और थान ध्यान है देख बारे ना तो गर्मी है नहीं ठंडी है वही कंफ्यूजन है पैर अंजमा अपनी पैर अंजमा है। और हाँ तू बता तू की कराई आ जाते वो भी इतनी रात रहा। अरे भैया मैंने तो नहीं मारी मम्मी भेजे तो क्योंकि भैया आपरे घरे अटके लॉक लगोड़ो तो और आपने पतो है आज दिन में भी मैं कम से कम 3-4 बार आपरे अटे आन गई थी लेकिन आपरे अटे तो लॉक ही लगोड़ो तो। और हाँ अब है के हमारे मम्मी हमारे बारे आई थी जो को मैं मम्मी देखियो तो आपरे लाइट भी लाग रही थी और दरवाजो भी खुलो तो मैं मम्मी मैंने पहले तुरंत भेजियो कि नहीं तू जा ना पतो कर ना के लोग कट्ठे गया और मामी जी रे फोन क्यों नहीं लाग रही मैं स्पेशल तो मामी जी रे मैं दिन में कितनी बार फोन लगाए फोन नहीं लागो नहीं वो भैया। अरे मम्मी मम्मी तो अंदर ही जाए मौत तो शादी में मैं 2 जने से किया था मम्मी ने नहीं लेगा था। कई बात करो भैया मामी जी घर अंदर ही था। अरे हाँ हाँ भाई अंदर ही था मामी जी ने अंदर बंद कर आप लोग बारू लॉक लगान गया पर था। अरे हाँ हाँ लॉक लगान गया था। अरे यार ममता कही है नहीं कि मार मम्मी की बहुत बुरी आदत है बिना मतलब वो बारे रो तो फिर नो आस पड़ोस वाले लोग थारी मारी करनी और ए ठंडा है मने पसंद को नहीं है इन वास्ते मैं मम्मी ने अंदर छोड़ और बारू ताड़ो देन गियो तो। अच्छा कोई बात नहीं भैया पहले मने आप ओ बताओ मामी जी कटे है मने मामी जी मिलना है। अरे हाँ हाँ ममता थारा मामी जी अंदर कमरा में बैठा है तू जा मिल ना जानी। लो देखो नी यार इन पड़ोसियों ने कोई तकलीफ हो रही है क्यों दूसरा घर में टांग अड़ाने का काम कर रही है अभी इतनी रात रा पूछने वास्ते एक मामी जी कटे हैं बेश शर्म शर्म भी नहीं आवे हैं। अरे भाई मारो घर है मैं ताड़ो देने जाऊं या ताड़ो खुलो राखन जाऊं मारी मर्जी और मारी माँ मैं अंदर बंद करूं चाहे बारे छोड़ जाऊं इन्हें ने कोई पहुंचे थी है फालतू में लोग दूसरा घर में टांग अड़ावे। हाँ नहीं तो अरे मामी जी प्रणाम किकर हो मामी जी आप। अरे ममता तू बेटा। अरे बेटा आओ आओ बैठ मरकर ने बैठ आओ। हाँ मामी जी और आप किकर हो मामी जी। अरे ममता बेटा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और तू सुना तू किकर है।
मामी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मन है के मम्मी भेजियो है कि जान मामी जी देख ना के मामी जी किकर है और मामी जी आप किकर हो आप ठीक तो हो नहीं आपकी तबीयत वगैरह तो सब ठीक है नहीं आपने फोन ही नहीं लागे रही है। अच्छा थारी मम्मी भेजियो थाने मारा हो पूछने वास्ते। अच्छा पर बेटा मैं तो एकदम ठीक हूँ और तू बता बेटा थारी तबीयत किकर है थार घर में है किकर है थारी मम्मी किकर है। हाँ हाँ मामी जी घरे तो सब ठीक है मम्मी भी ठीक है बाकी सब लोग भी ठीक है पर मामी जी पहले मैंने आप वो बताओ कि आप रो फोन है वो बंद क्यों आ रही है ना तो आप रो फोन जा रही है ना कोई बात और कदी कदी स्विच ऑफ भी बतावे नॉट रिचेबल भी बतावे कुछ समझ में ही नहीं आवे कई हो आप रे फोन रे। अरे ममता बेटा फोन तो कोई तो कोई रही हो हमारे फोन रे जो को नहीं तो किने फोन आवे अने नहीं किने फोन जावे बेटा कई रही हो इन फोन रे मने लागे खराब रहेगो मार फोन। अच्छा मामी जी और हनी मारी साइड में भी फोन नहीं लागे है जदीज और आपने पता है आज तो माने इतनी ज्यादा टेंशन होगी थी नी कि दिन में कम से कम 3-4 बार आप रटे आन गई हूँ लेकिन आप रटे तो लॉक लागो रो तो फिर मैं वापस गई परी। अरे अभी कई बताऊ ममता बेटा घर दरवाजे तो थारा भैया और भाभी बारे जावे जड़ मने अंदर बंद कर जावे थारे भैया भाभी ने अड़ू ला दी कि मैं पागल हूँ या मैं घर चौकीदार हूँ देखो मैंने घर अंदर बंद करन पची वे लोग जावे और घर में बारू भी ताड़ो दे जावे ताकि मैं कोई 2 मिनट भी कोई पड़ोसी और कने नहीं बैठ सकूं। अरे ममता बेटा इतनी पाबंदी तो कदी थारा मामा जी भी मारे माथे को नहीं लगे जी तो बेटो रेन मारे माथे लगावे। अरे मामी जी प्लीज आप रो मती आप चुप हो मामी जी और मैंने पहली सबों पहली आप रो फोन दिखाओ आपके फोन में कई प्रॉब्लम है मैं चेक करूं क्यों आप रो फोन नहीं तो आ रही है नहीं जा रही है इनो मतलब नक्की आपके फोन में कोई ना कोई सेटिंग करी हो रही है तो पहले मैंने आप रो फोन दे दो मामी जी। हाँ ममता बेटा और ले देख बेटा हमारो फोन तू चेक कर ले क्योंकि थाने तो ठा है कि मने तो इन फोन में की ज्यादा आवे को नहीं अने बस मन तो इतना ठा पड़े कि फोन आवे के मैं उठा ही लू अने मैं कट कर दू इन ज्यादा मन फोन में की को नहीं आवे बेटा। हाँ मामी जी रुको मैं देखू चेक करू का आपको फोन क्यों नहीं लागे ने क्यों नहीं आ रही है जा रही है रुको मैं चेक करू। हाँ ममता बेटा तू हावर चेक कर आजकल तू कोटा कोई रेगो जो हमारे हैंग पहले भाव वाले हाथ में है क्या एक भी फोन नहीं आवे देख नी तो धापी भाई फोन करे नी हांगरी भाई फोन करे है नी पाची भाई फोन करे नी केली भाई फोन करे नी अचली भाई फोन करे है नी नारंगी भाई फोन करे नी फैपी भाई फोन करे अरे कोई भी फोन नहीं करे कोटा कोई रेगो आजकल तो। अरे मामी जी ओ कोई देखो आपने मोबाइल में तो कम से कम 15-20 नंबर है वे ब्लॉक लिस्ट में डाली उड़ा है ब्लॉक में डाल यार पचे ना तो कहीं फोन आवे ना जावे देखो आप कोई बात कर रही है ममता मारे फोन में इतना नंबर हैंगर है ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया पर कौन। हाँ हाँ मामी जी वो देखो मारे मम्मी का नंबर है कि वो भी ब्लॉक लिस्ट में डाल लेड़ो है और आपने जितनी भी सखी सहेलियां है नी धापू बाई पहुंची बाई नारंगी बाई केली बाई अचली बाई सब बड़ा नंबर ब्लॉक लिस्ट में है देखो लैंड सर पूरा 15-20 नंबर उसके ब्लूबेर जितनी भी आपकी सहेलियां नी बिना सब इस नंबर ब्लॉक में गाल लेड़ा पूछो आप। अरे ममता तू एक काम कर बेटा कि तू हैंग इन्होंने वो कोई के ब्लॉक लिस्ट मतलब इन हैंग फोन ने तू मने हावल करन दे दे ताकि मारी हैंग हथनियारो फोन आ सके ने जा सके। अरे बेटा मैं तो इतना दिन वही जोचती कि कट कई करियो मैं एड़ा करम कि मारी कोई हथनी फोन नहीं करे मैं तो वही जोचती मने हैंग छोड़ दी। अरे मामी जी आप एड़ी केड़ी बात कर रहे हो माँ तो आपको बहुत प्यार कर रहा हाँ जदिश तो मैं दिन में कितनी बार आपको पतो करने आई कि आखिर मामी जी तो होयो कही। अरे मामी जी आपने पतो है कि पिछले हफ्ते ही जाके हरिद्वार वास्ते बस निकली थी तो अपना जो ऊपरला मोहला वाला है पहले बार मोहला वाला है दकली पोल वाला है वे हैंग के वट हालिया था हरिद्वार बस में तो मां लोग थाने ले जाने की घनी कोशिश करी थी मैंने फोन मिला है तो देखो थानो फोन तो स्विच ऑफ है ने भैया ने फोन करने कियो कि भाई मामी जी ने भी भेजो हरिद्वार वास्ते हैंग जाना जा रहा है हाँ तो हम ये हो रहा जावा तो भैया कही कि आपने पतो है कि मारी मम्मी ने कटी जाना शौक नहीं है मम्मी ने बारे जाना शौक नहीं है माने फोन मत कर करो एडी जगह मम्मी ने मत ले जाया करो और मम्मी मारी मम्मी गिरगी विरगी तो सब थाने ध्यान रखना पड़ेला हमारी मम्मी ने ये सब झंझट मत पटको सोचो यू माने कह दियो कई बात करे ममता थारा भैया थाने मना कर दियो हाँ। अरे भाई मने तो इन बात री कानो कान ही खबर कोनी है थी वरना मैं तो जरूर हालती कई बात करो मामी जी भैया आप पूछो भी कोनी तो कि हरिद्वार जानो कि नहीं जानो। अरे नहीं ममता बेटा मने तो कई कोनी पूछो तो
अच्छा जणीज। और मामी जी आपने पतो है आज और एक बस जा रही है, वह वृंदावन रे ट्रिप में जा रही है, जिमे भी उपरला भा वाला पहले भारा वाला सब लोग जा रही है अभी में भी। अच्छा वृंदावन जा रही है सब जना? हाँ मामी जी वृंदावन। तो उन वासी तो मम्मी आज मैंने पूरा दिन आप रेटे भेजती थी और मैं कितनी बार फोन भी लगायो लेकिन कई करू आप रेटे तो लॉक लागोड़ो थो। मम्मी तो रह रहे के जान देखना मामी जी आया कि नहीं आया, क्योंकि आज सामरारी तो बस है बच्चे। अच्छा पर बेटा तू मैंने वो बता कि वृंदावन रे वास्ते कने निकलनो है? अरे मामी जी अब बार थोड़ी देर 25 निकलनो है। अच्छा पर बेटा कोई बात नहीं, मैं अमार हैंग जावना की तैयारी कर दे हूँ, मारी भी घनी दिल इच्छा है कि मैं ही वृंदावन दर्शन करने आऊ। पर बेटा तू पहले मैंने वो बता कि कितो भाड़ो किरायो है बेटा हालन वास्ते, और कोई कोई चाहिए नहीं चाहिए, मैंने हैंग हावल कह तू। अरे मामी जी आप जाऊना रे बिल्कुल भी टेंशन मत ही करो, क्योंकि माने पतो थोक आपने महाते ले नहीं झाला ला, इन वास्ते मैं आपरी एक टिकट एक्स्ट्रा पहले बुकिंग करवा दी थी। अच्छा हमारी टिकट बुक करवा दी थे लोग? हाँ मामी जी आप यूं करो कि सबको पहले आप जो भी पैकिंग करनी है के वह पैकिंग कर लो, और आप रे पैकिंग में मैं हेल्प करवा दूं ताकि थोड़ा जल्दी काम निबट जी, और पैकिंग करन आप तुरंत मारे बटे साल जाओ। हाँ ठीक है ममता बेटा, थोड़ा सामान पैक करना में तू थोड़ी हमारी मदद कर दे ताकि झट पैकिंग रह जाई। हाँ हाँ मामी जी मदद तो मैं आपरी कर लूला। अरे वो कही है नी मामी जी की जो बस है नी वह मारे बटूस ला गिला 12:30 बजे, इन वास्ते मैं वो चाहू कि आप मारे हाथ हाल हो कह तो वही सही रहेला, तो आप सामान है वो मैं हाथ हो रही लेन हालूला, और यू करा कि आप पैकिंग स्टार्ट कर ला। और मामी जी एक बात बताऊ आपने, आपने है नी कितना टाइम बाद में आपरी सखी सहेलिया मिलेला जो की आपको इतना दिन मिली भी नहीं है। हाँ हाँ ममता बेटा मारो भी मारी हैंग सखी सहेलियों मिलना रो बहुत मन करे, घणो टाइम रेगो नी मैं तो कोई सहेली मिली ज को नी। और हाँ अब मैं भी 4-5 दिन वृंदावन हालू घूमन आऊ बटे भगवान रा दर्शन करू, मारो ही थोड़ो टाइम पास रही और थोड़ो दिमाग है नी वही थोड़ो सही रह जाये शांति रह जाये थोड़ा दिमाग नहीं, ताकि अब कई करू मैं तो अटैके मार एक मिनट मन नहीं लागे, वो पूरा घर है के मैंने खावे हमें तो की कोनी मारे थोड़ो दिमाग अच्छो रे जी। अरे मामी जी अबे आप हनी फालतू में दुखी होन परेशान मत हो, क्योंकि आप दुखी वे रहे हो तो मने भी बहुत ज्यादा दुख रे रहे है, तो अब बार बार पुरानी बात सोचन आप दिमाग मत ही खराब करो मामी जी। और हाँ अभी तो आप वो सोचो कि अब आप 5-6 दिन रे वास्ते बारे ट्रिप माते जावे रिया हो, खूब मजा कर जो खूब एंजॉय कर जो भगवान रो नाम ले जो, और आपरी सहेलियां नी विनर सब बारे साथे खूब हंस जो नाच जो गाई जो भगवान री भक्ति कर जो है। और अभी चलो मामी जी मैंने फटाफट आपरी पैकिंग कई कई करनी है मैंने बता दो, ताकि मोड़ो रेडियो में फटाफट आपरी पैकिंग करवा दू, क्योंकि घरे जान पाची मम्मी ने भी तो हेल्प करवानी है नी इन वास्ते। आलो मामी जी आपरी सारी पैकिंग होगी है, इनमें मैं सर्दी का कपड़ा पहनन वाला कपड़ा सब कुछ डाल दिया हूँ, और कुछ रह तो नहीं गयो, रह गयो रह तो दे दो ताकि मैं अभी पैक कर दू। नहीं नहीं ममता बेटा पैकिंग तुम्हारी पूरी रहेगी है, पर मारो ATM और आधार कार्ड वो दो ही मार्कन को नहीं वे थारे भाई कने है, तो थू यू कर के ओ थेलो लेन बारे हाल अने मैं ले नऊ थार भाई को नो ATM और आधार कार्ड, ठीक है? ले ओ थेलो लेन हाल तू बारे हावल पकड़ भारी गणो। ठीक है मामी जी आप आधार कार्ड और ATM कार्ड ले नऊ जब तक मैं बारे हाल लू, ठीक है? अरे ओ कई मम्मी जी आप इतनी रात रहा कठे जा रहे हो? अरे बिंदनी सा मैं 4-5 दिन रे वास्ते वृंदावन दर्शन करने वास्ते जा रही हूँ। अरे ओ कई मम्मी जी आप अकेला जा रही हो? और आपने पतो है कि काले मने भी निकलनो थो, हमारे भुआर लड़का रो ब्याह है इन वास्ते। अरे कौन कठे जा रही है भाई? अरे देखो नी मम्मी जी जा रही है। अरे मम्मी जी जा रही है पर कठे जा रही है? अरे संदीप बेटा मैं मारी हैंग हाथनिया रहते है 4-5 दिन वास्ते वृंदावन वास्ते गाड़ी करिए हैंग लोग तीर्थ यात्रा में जा रहे है, तो मैं ही जाऊं भगवान रे दर्शन करने वास्ते। अरे कई मम्मी यार आप 4-5 दिन वास्ते जा रहे हो और मने पूछो तक नहीं, अरे मने एक बार बताना तो थो है, और जाओ जो को तो जाओ और वो भी आप अकेला जा रहे हो? अरे हाँ हाँ संदीप बेटा तू चिंता मत कर, मैं कोई एक ही थोड़ी ना जाऊं हूँ, अपन पहले भाव वाला पूरा मोहल्ला वाला जा रहा है, तो मो हैंग हाथे जावा हाँ मार की कौन रेवे तू चिंता मत कर। अरे मम्मी ओ कई तरीको रेगो है आप तो मुंडो उठाने भी रेगा है, अरे मने पहली 4-5 दिन पहली बताओ तो थोक भाई आपने जाओ है, और थाने था है 2 दिन रे बाद में इन्हें भुआर लड़का रो ब्याह है, माने तो वटे जाओ थोके। हाँ तो कई हो थे लोग थाने जाओ नी शादी में, मैं क्यों थाने रोक रही हूँ?
अरे मम्मी, माँ लोग तो प्लान कर रहे था कि भाई शादी में जा वहाँ, दो चार दिन रहे वहाँ, मजा कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, और आपकी वजह हो मारो पूरा प्लान चेंज हो गया है, ठीक है नी। हाँ, और आप बिना बताए यूं चार पांच दिन वास्ते रवाना रहेगा। अरे मैं बोल रही हूँ नी, कम से कम आप एक बार मने पूछता तो सही है, आप मने पूछना रही तो कोई जरूरत समझो ही नहीं है। और हाँ, मैं थान कह रही हूँ नी, अभी थे जाओ कैंसिल कर दो, कौन सा थाने वृंदावन वट भगवान मिल जावेला है। अरे जाओ ही थो तो कम से कम एक महीना पहले मने बताओ तो, ठीक है नी। माना भी कोई प्लान रहे, माने भी कटी जाओ रही हूँ, उठा मुंडा रवाने रही रहे हो, समझ गया नी। और हाँ, अभी थानी उम्र रह गई है, चुपचाप घर में कमरे में बैठा रहा करो, ठीक है नी। मैं यू की कर थाने पांच छह दिन रो खर्चो पानी दे दू। अरे संदीप बेटा, इतनी ऊंची आवाज में बात करना जरूरत नहीं है, ठीक है नी। आवाज नीची राखन, बात कर नीची राखन, आयो न समझ में। और हाँ, मने कठे भी जाने वास्ते थारू इजाजत लेवनारी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है नी। और वैसे भी थे लोग बहुत अत्याचार कर लियो है मार माते। अरे थे लोग दो जना मने कई समझ कई रहा क्यों मने है, मैं कोई छोटी बच्ची हूँ जो को ताने सारा माते नाचू मैं है। और हाँ, मने थे कटे भी जाओ तो घर अंदर बंद करन जाओ है। अरे तू मारी औलाद नी, कंस है कंस, थारे जेड़ा बेटा तो रहना ही नहीं चीजें इन दुनिया में, आयो नी समझ में है। अरे तू तो मने इन्हें घर चौकीदार नौकरानी समझ रखियो है नी। हाँ, और भीनड़ी तू कई केन की थी कि मैं सुबह शाम रहूला, मम्मी जी सुबह शाम तक खानो थाने बनान की है। अरे तने शर्म नहीं आई, तू रात्रि ठंडी दाल और दो रोटी रखन गई, दो रोटी इतना बड़ा शरीर धापे कई। देखो मम्मी, मैं तो सिर्फ वो बोल रही हूँ कि आप लोग अचानक यूं वृंदावन भी रेगा है, सखी सहेलिया है, अरे वे तो जावे जो को जावे, लेकिन थे कटी गिर गया विर गया, थानी टांगा टूट गई, कटी पसलिया टूट गई, तो थानी सेवा कौन करी। अरे सेवा रहते रहते खर्चो रही वो भरे अलग। अरे संदीप बेटा, अगर मैं गिर भी गई नी तो थारे जड़ा को मैं सेवा को नहीं करूं। हाँ, अरे थन दोया ने मैं मारे हाथ भी कोनी लगाऊं दूला, ठीक है नी। और ऐसी ऐडी सेवा रही मने जरूरत भी कोनी है। और हाँ, थे लोग कई कर रहे हो हमारे साथे, मारी है साथी सहेलिया ने थे लोग ब्लॉक कर दी है। अरे तने शर्म नहीं आई कई है। अरे थे दो ही जना खुद तो कदी सुख दुख रही मारे कने बैठ दो मिनट भी बात नहीं करो है। और थोड़ी बहुत घर में मैं मारी से सखी सहेलियों बात करती, वीना ने भी थे ब्लॉक लिस्ट में डाल दी ताकि मैं विनाऊ भी कॉन्टेक्ट नहीं कर सकू है, मैं विनाऊ भी बात नहीं कर सकू। अरे धन्य है थारे जेड़ा बेटा ने। हाँ, और एक बात और, अरे थे भाई मिलन मार साथे जो कुछ करियो नी बहुत कर लियो बेटा, पर अबे मारी बारी है, ठीक है नी। और आज बाद में मैं वो फैसलो ले लियो हूँ कि मैं वृंदावन उपाशी आऊ नी जट तक वो मकान मने खाली चाहिए। आई गयो नी समझ में, भले ही तू मारो बेटो है पर तू मारी सेवा नहीं कर रियो है नी, तो वो घर मने खाली चाहिए, ठीक है नी। और हाँ, अगर थाने इन घर में रहना है तो ऊपर पड़ियो एक कमरी हो जान रह जाइए, वो भी मैं थारे को महीना रा रुपया 5,000 किराया लूला। आइयो नहीं समझ में। और हाँ, 5,000 किराया नहीं दे सके नी बेटा तो घरों बारे रवाना रहो, वो ऊपर वालो घर है, मैं किन्नी और ने किराया दू, क्योंकि इन 5,000 में महीना रो खर्चो चलाओ, मैं थारे को एक रुपयो भी नहीं मांगूला। आइयो नहीं समझ में। अरे बेटा, थे दो ही बहुत नाटक कर लिया, बहुत मजा कर दिया, ठीक है नी, अब थान में मजा नहीं करूंगू। आई गयो नी समझ में। अरे मम्मी, आप ऐडी के नहीं बात कर लिया हो। अरे मम्मी, मैं तो आप रो लाड को बेटो होनी, आप रो फूट रो मल बेटो होनी, मैं तो पचे हैं। और हाँ, थोड़ो गुस्सो आएगो री दे मैं की बोली जो तो पचे इनो इतो को बुरो मानो है, अने यू एक मकान खाली कराओ। अरे मने मकान खाली कराओ तो तंटा है मुकुट जाओ, मार क्यों कोई नीचे मकान पड़ियो, मार पापा कोई मनान गया कोई मार वास्ते, यही मारे मकान खाली करावे हो नी तो। मम्मी जी, सच में मने मारी गलती रो बहुत ज्यादा एहसास हो रियो है कि माधोई जना मिले ना आपरे हाथे बहुत गलत व्यवहार करियो। इतो गलत व्यवहार तो कोई जानवर हाथे भी नहीं करे, जड़ो व्यवहार माँ लोग आपरे साथे करियो। हाँ, और मम्मी जी, माँ लोग माफी रे लायक को नहीं हाँ, लेकिन माने टाबर समझन माफ कर दो, क्योंकि गलती टाबर ही सजा करे, और आप जेड़ा बड़ा लोग माने माफ कर दो मम्मी जी प्लीज। अरे मम्मी, मैं थारी सोगन खान के हूँ, आगे मैं कभी एड़ी गलती नहीं करूँगा, कभी थारे कोई दिक्कत नहीं करो करूंगा। और हाँ मम्मी, मैं थारो बहुत ख्याल रखूंगा, वादो है मारो पक्को वाड़ो वादो है मम्मी। और मम्मी, तो बोली आराम घूमने जाओ, और कितना रुपये छेजे मन बताओ, मम्मा रुको वो पैसा फेंको कितना छेजे वो बताओ मैंने। और हाँ मम्मी, नी वह नहीं तो थे मारो एटीएम पड़े वो एटीएम भी लेन जाओ अपरा है। पर मम्मी मैंने माफ कर दो, मैं थोड़ी सोगन खा रही हूँ, आगे हम कभी एडी कोई गलती करूच नहीं। अरे हमारी गलती रहेगी है मम्मी। और हाँ मम्मी, वकावत सुनी रहे बोला नी कि गलती करन वाला हूँ ज्यादा, गलती माफ करन वाला रहे वो बड़ो रिया करे, तो मम्मी आप तो बड़ा रहेगा, प्लीज माफ कर दो।
अरे नहीं नहीं संदीप बेटा, मने थारा एटीएम री जरूरत कोनी है बेटा, वो एटीएम थारो है तो करन राख, ठीक है नी। अरे मैं तो खुद आत्मनिर्भर हूँ, थारे पापा री पेंशन आवे महीना री 50,000, मैं खाती भी नहीं मरू, ठीक है नी। और हाँ, मने थाने लोगो री सेवा और कमाई री बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है नी। मैं जा रही हूँ वृंदावन, मैं पाछी आऊ जब तक मने वो मकान खाली चाहिए। और हाँ, थाने ऊपर वाला घर में रहना है तो मने 12 महीना रो एडवांस किराया चाहिए, ठीक है नी। मैं जा रही हूँ। अरे मम्मी यार रुको तो सरी, मेरी बात तो सुनो यार। मम्मी मैं माफी तो मांग ली, अभी पछ को मार जीव ले वो कहीं है। अरे मम्मी रुको तो सरी यार, मम्मी तो उड़ी को नहीं, एक तो गई पड़ी है तू। हेलो सर, राम राम सर। तो मारी आज री आ स्टोरी आप लोगों ने केड़ी लागी है। और दोस्तों आज री आ स्टोरी है आ बुढ़ा माँ बाप रे वास्ते में बनाई हूँ। तो इन स्टोरी री एक ही सीख है कि अपना माँ बाप बुढ़ा रह जाया करे तो बिना ने इन तरीकों ताला में बंद नहीं करना चाहिए। देखो किनो स्वभाव आग तो रेवे, किनो स्वभाव धीमो रेवे, किनो नॉर्मल रेवे। और देखो जो को बुढ़ा माँ बाप रेवे नी वे थोड़ा पुराना जमाना रा रिया करे तो बिना रे विचार रहते अपने भी चालनो चाहिए। यू नहीं है कि बिना विचार थोड़ा चेंज है तो आप बिना ने लॉक में बंद करन जाओ, बिना हाथे मिस बिहेवियर करो, बिना ने रोटी टाइम आते नहीं देवो, जो को बुआ है वह बिना ने ताना देवे, गलत गलत बोले। अरे नहीं, एडो नहीं करनो है, क्योंकि जो को अपना माँ बाप है नी वे साक्षात भगवान रो रूप लिया करे। और आप एक चीज नोटिस कर जो कि जिन्हें हाथे माँ बाप नहीं रहे नी या जिन्हें माँ बाप नहीं है नी आज भी नी कंडीशन कही है, आप लोग एक बार अजमाने जरूर देख जो। तो मारो तो आप लोगों एक ही रिक्वेस्ट ऐसा कि अपना जो को माँ बाप है बहुत मूंगा मोल रहे, क्योंकि अपन माँ बाप ने आप करोड़ों रुपया देने भी नहीं खरीद सका। आ बात आप भी जानो हो तो माँ बाप की बहुत कदर करनी है। और अगर स्टोरी अच्छी लगी रहे दोस्तों तो प्लीज लाइक कर जो, शेयर कर जो, और नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर जो। आप मिला ला एक नई स्टोरी रहते। राम राम सा।